बच्चों सुप्रभात। कक्षा नौवीं के बच्चों आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में हिंदी में विराम चिन्ह कि विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं। परिभाषा। भाषा के लिखित रूप के रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। फिर है भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए लगाए जाते हैं ये, या भावों की स्पष्टता करने के लिए लगाए जाते हैं। फिर कथन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए लगाए जाते हैं, भावों की अभिव्यक्ति, कथन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए। और विराम चिन्ह के प्रकार कई प्रकार के होते हैं, ये 12 प्रकार के होते हैं विराम चिन्ह। अब देखेंगे आप कि कौन सा विराम चिन्ह कब लगता है। पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह कैसा होता है? सीधा। इस विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रायः सभी वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, ये लगाने विराम चिन्ह। फिर माली पौधों को देखता है, माली पौधों को देखता है। आप दूसरा है अर्ध विराम चिन्ह। जब पूर्ण विराम चिन्ह से कम समय के लिए रुकते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह से कम समय के लिए रुकते हैं तब लगाया जाता है। वह घर आया, थोड़ी देर बाद चला गया। यहाँ पे विराम आया ना, वह घर आया, थोड़ी देर बाद चला गया। तुम्हारी इन बातों पर कौन विश्वास करेगा, क्योंकि वे झूठी है। यहाँ आया तो करेगा क्योंकि वे झूठी है। फिर है अल्प विराम। अल्प विराम वाक्य के मध्य में कम समय तक रुकने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे कि बताया है राम, मोहन के बाद ये लगा, फिर श्याम के बाद और उदय यहाँ आएंगे। यहाँ पे और आया थोड़ी देर के लिए, अल्प विराम हुआ इसका, तो और शब्द आने के बाद उदय यहाँ आएंगे। हाँ मैं यह चित्र बना लूंगा, मैं यह चित्र बना लूंगा। चित्र के बाद थोड़ा सा रुके हम, चित्र बना लूंगा, अल्प विराम आया है। फिर देखेंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा, जैसे हम अपनी कक्षाओं के प्रश्न अभ्यास के लिए प्रश्नों का प्रयोग करते तो उसमें आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग वाक्यों में किया जाता है अनिश्चय या संदेह प्रकट करने के लिए, है ना? कैसा, जैसे उदाहरण दिया है, सुमन तुम कब आई, आई में लगाई प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, ये प्रश्न बन गया। अब क्या, कहाँ, वह परिश्रमी है, क्या वह कहाँ, प्रश्न, परिश्रमी है, हुआ ये प्रश्नवाचक वाक्य। अब विस्मय आदिवाचक, यानी ये किसी आश्चर्य से बात करना है ना, जैसे कोई ना कोई खबर बताई तो अपन को आश्चर्य होता है हमको किस टाइप का। अब है इधर पे जैसे बताया है घृणा, आश्चर्य होना या शोक व्यक्त करना मनोभावों में होता है। तो ये है अरे, ये लगा बरसात होने लगी। हम
प्रश्नवाचक चिन्ह इसका प्रयोग प्रश्नों को वाक्यों को पूरा करने में किया जाता अनिश्चय या संदेह प्रकट करने में, जैसे सुमन तुम कब आई, क्या कहा, वह परिश्रमी है। फिर विस्मय वाचक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य और घृणा में होता है या शोक व्यक्त करने के लिए मनोभावों में होता है, जैसे अरे बरसात होने लगी, हाय चोरों ने सब लूट लिया आदि। योजक या विभाजक चिन्ह, इसका प्रयोग सामाजिक शब्दों से जैसे सा सी से आदि में पूर्व युगों में के शब्दों से नित्य शब्द नाम से कम संख्या भाग बताने में किया जाता है। जैसे उदाहरण से आएगा समझ, एक तिहाई है ना, तीन दसवां, दसवां भाग तीन दसवां, एक चौथाई, ऐसे एक चौथाई, ये एक तिहाई, ये कैसे एक दसवां। फिर है निर्देशक चिन्ह, यह चिन्ह का प्रयोग किसी के कहे वाक्यों से पूर्व लिखा जाता है या संवादों में व्याख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य की या उसकी व्याख्या करना या संवाद है, जैसे आप बातचीत करते हैं हम, तो उस समय भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा हम स्वराज लाएंगे, क्या हुआ वाक्य, गांधी जी ने कहा, ये लगा चिन्ह आपका, हम स्वराज लाएंगे, है ना। दूसरा वाक्य क्या है, राणा प्रताप देखो भामाशाह आ रहे हैं, क्या दिया, राणा प्रताप देखो भामाशाह आ रहे हैं आदि। उदाहरणों से आपको समझ में आ रहा होगा कि निर्देशक चिन्ह क्या है। अब देखेंगे हम उद्धरण चिन्ह कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, देखो आपको, देखो चित्र में दिख रहा होगा, साइड से होते हैं उद्धरण चिन्ह। इन चिन्ह का प्रयोग किसी कथन से मूल रूप में लिखे पुस्तक या कथन का मूल अंश उद्धृत करने में किया जाता है, जैसे कि इस कविता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है, दिनकर है, जैसे ये सीआर प्रयोग है ना, रामधारी सिंह दिनकर है। फिर स्वर्गीय इंदिरा गांधी का नारा है गरीबी हटाओ, ये लगा पूरे वाक्य में, छोटा वाक्य बीच में आता है और फिर आखिरी में ये इन्वर्टेड कॉमा होते हैं इसको इंग्लिश में। नौवा है विवरण चिन्ह, कुछ सूचना निर्देश देने के लिए किया जाता है, बस निर्देशों को देने के लिए किया जाता है, जैसे कि ये चिन्ह बताया है। फिर देने के लिए सूचना देना या निर्देश देने के लिए किया जाता है। अब इधर है राजा दशरथ के चार पुत्र थे, ये क्या हो रहा हमको, ये निर्देश या हमको सूचना मिल रही है इसके लिए, इसके लिए इन्होंने बताया कि राजा दशरथ के चार पुत्र थे, जैसे ये बताया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कहाँ पे लगा चिन्ह, दशरथ जी के चार पुत्र थे। अब है कोष्टक, कोष्टक के बारे में सभी जानते हैं कैसे लगाए जाते हैं, ये जैसा कि ये चित्र बना है, वाक्य का मुख्य अंश होने के बाद भी अलग से दिया जाता है, जैसे का और खा दोनों सही विकल्प हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने विकल्पीय प्रश्नों को देखा होगा पुस्तक में लिखे हुए, चार ऑप्शन दिए जाते विकल्प चुनने के लिए। फिर है अब ग्यारहवा हंस पद चिन्ह, हंस पद चिन्ह कैसा होता है, ये लिखते समय कुछ अंश छूटने पर लगाया जाता है, जैसे अप्रैल मई और जून में
मई अप्रैल मई और जून में गर्मी ज्यादा पड़ती है अंश पर, चिन्ह लिखते समय कुछ अंश छूटने के बाद चिन्ह लगाया जाता है। फिर लाघव चिन्ह या छोटा चिन्ह किसी बड़े अंश रूप में लिखने में किया जाता है, कहाँ किया जाता है जैसे ये चित्र बताया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो ये बताया है इन्होंने चिन्ह लगा के सच्चिदानंद शॉर्ट में। फिर ही हीरा नंद वासे ये चित्र ये लगाया चिन्ह बनाया गोल आकार का होता है वासन अज्ञेय है। आज आपने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा और इनकी जानकारी ली। अब इसको आपको पढ़कर कॉपी में लिखना है।